अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान ज़ुबान में बता सकूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर मिलियंस और बिलियंस की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह। चले आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। व्यूअर्स, कुछ लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया सिर्फ नुकसानदेह होते हैं, लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर कई इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा कर दिए हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, अगर प्रोबायोटिक्स की बात की जाए तो ये ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी होते हैं। इनको अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये अच्छे जरासीम हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ख़तरनाक बैक्टीरिया से जिस्म की हिफाजत करते हैं। व्यूअर्स, अगर प्रोबायोटिक्स की बात की जाए तो ये इंसानी जिस्म के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। ये विटामिन हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा ये विटामिन ज़ख़म की मुरम्मत में मदद देता है। इसके अलावा ये विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए नहायत अहम है। दोस्तों, नाकिस ग़िज़ा और एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स डैमेज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। आसान अल्फाज में, अच्छे जरासीमों के मरने के बाद बुरे जरासीम उनकी जगह ले लेते हैं। प्रोबायोटिक्स की कमी की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। व्यूअर्स, प्रोबायोटिक्स जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया हमारी खुराक की डाइजेशन के लिए बहुत अहम हैं। इंटेस्टाइन के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के दरमियान एक तवाज़ुन मौजूद होता है। अगर किसी तरीके से ये तवाज़ुन टूट जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करने का मौका मिल जाता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करने के लिए एक्टिव ग्रोथ की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया की एक्टिव ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर स्पेस और एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म में मौजूद ये फ्रेंडली बैक्टीरिया इस एनर्जी और स्पेस का ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे जिस्म के अंदर ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर ये तवाज़न टूट जाए तो हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाने का मौका मिल जाता है। व्यूअर्स, एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, तो रिजल्टेंटली हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, अगर प्रोबायोटिक्स के फ़ायदों के मुतालिक बात की जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मोस्टली प्रोबायोटिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स से एसोसिएटेड हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के अलावा अगर बात की जाए तो प्रोबायोटिक्स एटॉपिक डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की डिजीज़ में भी हेल्पफुल है।
इसके अलावा ये वजाइनल इन्फेक्शंस और इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी मददगार साबित हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए कि कौन कौन से बैक्टीरिया को एज अ प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे तो बहुत से बैक्टीरिया को एज अ प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो बैक्टीरिया ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें लैक्टोबैसिलस और बेफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज शामिल हैं। व्यूअर्स, वो खुराक जो ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं उसको प्रीबायोटिक कहा जाता है। प्रोबायोटिक्स के साथ प्रीबायोटिक की मुनासिब मकदार भी दी जाती है ताकि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हुए हमारे जिस्म के अंदर एक्टिवली ग्रो कर सकें और हमारे जिस्म को बीमारी से महफूज रख सकें, जैसा कि गलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स एज अ प्रीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए कि प्रोबायोटिक्स कौन सी ग़िज़ाओं के अंदर मौजूद होते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ग़िज़ाओं के अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।